हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस पटना पायरेट्स, क्या होंगी हमारी ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन, क्या होंगी हमारी ग्रैंड लीग स्ट्रेटेजी, उसको लेके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। पीआर कमली ने जीएल में लगातार बेसिस पे टॉप रैंक दिया हुआ है। इस सीजन 8 से लेके 9 मुकाबला ऐसे हुए हैं जहां पे मेगा जीएल में मैंने रैंक 1 दिया हुआ है। मिनी जीएल का तो पूछो ही मत, मिनी जीएल हर एक दो दिन पे, वैसे एक दिन जाती है मिनी जीएल। आपके सामने ढेर सारे मैच के स्क्रीनशॉट है, तेलुगु वर्सेज बंगाल वाले मैच में देखिएगा रैंक 1 जीएल में, उसके अलावा हरियाणा वर्सेस तमिल वाले मैच में आप देखिएगा रैंक 1 जीएल में, देन आफ्टर आपको देखने को मिल जाएगा। हरियाणा के साथ पता नहीं कुछ एक ज्यादा लगा है पीआर फैमिली का भाई, हरियाणा वर्सेस जयपुर वाले मैच में भी 49 रुपीज लगा के पीआर फैमिली ने 14,70,000 रुपीज विन किया था। देन आफ्टर बेंगलुरु वर्सेज तमिल तलेबाज वाले मैच में 49 रुपीज लगा के हम लोगों ने 2,10,000 रुपीज विन किया था। तो कहने का मतलब ये है कि पीआर फैमिली कबड्डी में जीएल बार बार लेके आती है, उम्मीद है इस मैच में भी लेके आने वाले हैं। और दोस्तों स्टार्टिंग 7 आने के बाद अगर हमारे जीएल टीम में हो या फिर स्मॉल लीग टीम में कुछ भी फेरबदल होती है उसके अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेने हैं। और मेरे दोस्त, अगर आप लोगों में से अभी भी कोई भाई ऐसे हो जिन्होंने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो किस बात की देरी है, अभी के अभी टाइम निकालिए और सबसे पहले YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों मैंने इस मैच का ऑलरेडी डिटेल्स वीडियो दे दिया है जिसमें मैंने सारे स्टैट्स एनालिसिस को जिक्र किया हुआ है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डिटेल्स वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जिसको मैं टेलीग्राम पे रिपोस्ट भी कर दूंगा। अब आइए हम बात करते हैं पहले हरियाणा स्टीलर्स के रेडर किस डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, पटना पायरेट्स का, तो पटना के फटाफट हम बात करेंगे क्योंकि इसका डिटेल्स वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिख जाएंगे कौन, अंकित। फिर अगर हम बात करेंगे इनके राइट कवर पे आपको दिख जाएंगे मयूर कदम। फिर अगर हम बात करेंगे इनके राइट कॉर्नर पे आपको दिख जाएंगे कृष्ण डुल। इनके लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिख जाएंगे बाबू एम। क्लियर है, ठीक है। सामने वाले टीम में आपको स्टार्टिंग समय शिवम पात्रे, सिद्धार्थ देसाई दिखेंगे लेफ्ट रेडर, वो जाएंगे कृष्ण डुल के पास, फिर जाएंगे बाबू एम के पास, फिर जाएंगे यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर अंकित के पास। स्टार्टिंग समय में होंगे विनय, वो एक राइट रेडर होंगे, वो जाएंगे अंकित के पास, फिर जाएंगे राइट कवर मयूर कदम के पास, फिर जाएंगे राइट कॉर्नर कृष्ण डुल के पास। इनके पास एज एन सब्स्टिट्यूट में होंगे कौन कौन, प्रपंजन एक लेफ्ट रेडर होंगे, उसके अलावा यहाँ पे आपको दिख जाएंगे आशीष और जी मागर, वो राइट रेडर होंगे। तो देख लीजिएगा आशीष जी मागर जाएंगे अंकित और मयूर कदम के साथ कृष्ण डुल के पास, और प्रपंजन जाएंगे कृष्ण डुल, बाबू एम और यहाँ पे अंकित के पास। अब अगर हम बात करेंगे पटना पायरेट्स को लेकर, ध्यान रखिएगा पटना पायरेट्स के स्टार रेडर सचिन तनवर पिछले मैच में हुए थे इंजर्ड, उनका इंजरी कैसा है क्या है जैसे ही मेरे पास अपडेट आएगा मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। फिलहाल अगर हम बात कर लेंगे इनके डिफेंस में तो आपको दिख जाएंगे लेफ्ट कॉर्नर पे खेलते हुए कौन, मोहित खेलर। फिर अगर हम बात कर लेंगे राइट कवर पे आपको दिख जाएंगे मोहित नांदल। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पोजिशन राइट कॉर्नर पे आपको दिख जाएंगे राहुल सतपाल। फिर अगर बात कर लेंगे यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिख जाएंगे खेलते हुए कौन, यहाँ पे आपको दिखेंगे जयदीप, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे सामने वाली टीम में रीडिंग में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कौन, भैया सचिन तनवर। फिर यहाँ से सेकंड मैन रेडर मंजीत दहिया। फिर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे थर्ड मैन रेडर संदीप। तीनों के तीनों जाएंगे मयूर कदम के पास, मोहित खेलर के पास, फिर मोहित नंदल के पास, फिर जाएंगे ये राहुल सतपाल के पास। उसके बाद अगर हम बात कर लेंगे इनके पास एक लेफ्ट रेडर होगा जिसका नाम है क्या, एम सुधाकर। वो जाएंगे यहाँ से रेडिंग करने के लिए लेफ्ट के साइड से आरएस के पास, राहुल सतपाल के पास, फिर जाएंगे यहाँ पे लेफ्ट कवर जयदीप के पास, फिर जाएंगे मोहित खेलर के पास। तो दोस्तों अब आपके पास फिर से मैंने मैच एनालिसिस दे दी, अब तो आपको सारी चीज याद हो गई होंगी, अब आप आराम से जीएल में और भी अच्छा रैंक लेके आ सकते हो। अब भाई हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेके, ध्यान रखिएगा ये हमारी स्मॉल लीग की अभी टीम है और जीएल टीम नंबर 1 भी अब आपके सामने है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, सचिन तनवर अगर इनका इंजरी कंसर्न होता है मैं इनके जगह पे सीधा ले लूंगा विनय को, ठीक है। फिर हमारी टीम बन जाएंगी सचिन तनवर के जगह पे विनय, बाकी सारा यही रहेंगे एस पात्रे, अंकित, मोहित नांदल, राहुल सतपाल, किशन डुल और मोहित खलल। फिलहाल मैंने अपनी स्मॉल लीग की टीम में और जीएल टीम नंबर 1 में दिए कैप्टन मोहित नांदल को, वीसी मैंने दिया अंकित को। उसके अलावा हो सकता है अगर सामने वाले टीम में तीनों के तीनों राइट रेडर हो तो मैं पहले ही टीम में मोहित खेलर को वीसी दे दूं। अब आइए हम बात करते हैं जीएल टीम नंबर 2, 3 और 4 को लेकर। जीएल टीम नंबर 2 में मैंने क्या किया, टीम मैं बिल्कुल सेफ रखा हूँ जीएल टीम नंबर 2 में, तो वही टीम होगा राहुल सतपाल, किशन डुल, मोहित खेलर, अंकित, मोहित नांदल,
सचिन तनवर, एस पात्रे। मैंने कैप्टन यहाँ पे मोहित नंदल को ही दिया है, वीसी में दिया हूँ किशन ढुल को। ध्यान रखिएगा हरियाणा लेग है तो हरियाणा के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगा जीतने का। फिर अगर बात कर लेंगे जीआरटी नंबर थ्री को लेके, वो आपको दिखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे आपको टीम मोहित देखने को मिलेंगे, सतपाल, किशन ढुल, मोहित केलर, मोहित नंदल, अंकित, सचिन तनवर, एस पात्रे, कैप्टन मोहित नंदल, वीसी मैंने मोहित केलर को दिया हुआ है। मेरा कोशिश होता है कि आपको मैं ऐसा जीएल का टीम दूं जो मिनिमम आपको जो इन्वेस्टमेंट की हो वो निकाल दे और मैक्सिमम जितना निकाल दे वो अच्छी बात है। टीम नंबर फोर देखिएगा आपके सामने है, जहां पे मैंने वीसी दिया सतपाल को, फिर मैंने किशनडुल, मोहित खेलर, मोहित नंदल, अंकित, सचिन तनवर और एस पात्रे को लिया हुआ है। कैप्टन मोहित नंदल, वीसी यहाँ पे मेरे होंगे राहुल सतपाल। ध्यान रखिएगा जयदीप तब इम्पोर्टेंट होंगे जब सामने से एम सुधाकर खेलेंगे, अगर एम सुधाकर नहीं खेलते फिर जयदीप आपके लिए इम्पोर्टेंट पिक नहीं रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।